नमस्कार, मेरा नाम करण राज मेहता है, सीईओ मेरो डॉक्टर, और आज हम धनबाद के पहले एनएबीएच हॉस्पिटल असरपे हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड सीईओ मिस्टर हरेंद्र सिंह सर के साथ हैं। हरेंद्र सिंह सर ना ही एक बहुत ही बड़े अमेजिंग डायरेक्टर है, पर उसके साथ ही साथ युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने कैसे इतने बड़े हॉस्पिटल की स्थापना की और कैसे वो इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। सो सर, आपने ये हॉस्पिटल की जर्नी कैसे स्टार्ट की सर? बेसिकली हम लोगों का बैकग्राउंड तो हेल्थ केयर में नहीं रहा है, लेकिन कुछ कुछ घर में ऐसी घटनाएं घटी और हमने देखा कि यहाँ हेल्थ केयर की फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, और फिर हमने तय किया कि जो काम हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें हम इंजॉय करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मुझे लगा कि हेल्थ केयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर होगा जिसमें मैं अच्छा कर सकूँगा, जो मेरे दिल के करीब होगा, और इस प्रकार मैंने प्रयास किया कि हेल्थ केयर सेक्टर में काम करूं, और हम लोगों ने मिलके असरपे हॉस्पिटल की स्थापना की। ग्रेट सर, मतलब काफ़ी सर आपका जो विजन था वो एनालाइज हुआ इस हॉस्पिटल के एस्टेब्लिशमेंट के साथ, दैट्स रियली गुड टू नो सर। सो सर, कोविड एक बहुत ही पेनफुल सिनेरियो था पूरे वर्ल्ड के लिए और हमारी कंट्री के लिए भी, काफ़ी सारे लैगिंग हुए, बहुत सारी चीज़ें हुए। हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर था जिसने पूरी कंट्री को संभाला, हमारी कंट्री को स्टेबलाइज हुए, हेल्थ केयर वर्कर्स इंक्लूडिंग द होल हॉस्पिटल टीम एंड द स्टाफ हैव डन अ रियली गुड जॉब। सो सर, व्हाट इज द हेल्थ केयर सिनेरियो पोस्ट कोविड? पोस्ट कोविड हम लोग हेल्थ केयर को कैसे देख रहे हैं, क्या अभी बदलाव आया है सर कोविड के बाद? पूरी दुनिया में हेल्थ केयर जो है वो स्टेट मैटर रहता है। स्टेट मैटर मतलब पूरी दुनिया में हेल्थ केयर का टेक केयर करने के लिए वहाँ की रिस्पेक्टिव सरकारें जिम्मेवार होती, और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हेल्थ केयर में प्राइवेट लोगों को पार्टिसिपेट करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी नहीं है। तो एक साथ कभी भी किसी भी देश में ऐसा नहीं हो सकता है कि जितने लोग कोविड के दौरान बीमार पड़ रहे थे उनका टेक केयर किया जा सके। जिस परसेंटेज में लोग बीमार पड़ रहे थे, जिस परसेंटेज में लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके और इतनी बड़ी संख्या में इंफ्रास्ट्रक्चर आप रख सकें। तो जो समस्याएं थी वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन पोस्ट कोविड चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के मरीज आते हैं जिनका इलाज किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि चीज़ें पोस्ट कोविड नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रही हैं, और आने वाले 4-5 महीनों में हम लोग बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीने लगे। ग्रेट सर, दैट्स रियली गुड टू नो, क्योंकि सर जो अभी हम लोग जो लो वेव देख रहे हैं कि कोविड का थर्ड वेव से हमारी कंट्री सेव हो गई, टू बी स्पेसिफिक, सो दैट बिकॉज ऑफ ऑल द हेल्थ केयर वर्कर्स ऑफ द कंट्री, सो वी रियली सैल्यूट यू फॉर ऑल द वर्क्स। सो सर, असरपे हॉस्पिटल हैज गेन्ड द एनएबीएच स्टेटस, विच इज इटसेल्फ एन अचीवमेंट, फर्स्ट हॉस्पिटल इन धनबाद जिसको एनएबीएच एक्रेडिटेशन मिला। एनएबीएच इज लाइक द टॉप स्पेशलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, विच इज लाइक गेटिंग अ हाईएस्ट रैंक ऑफ बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। So sir, what's next for Asarfi Hospital and how was the whole journey of getting this NABH accreditation? NABH is all about, you know, it's about quality. और quality कभी भी bottom to top down top approach में नहीं होता है, ये हमेशा top to bottom flow करता है, क्योंकि it depend करता है कि top management का fundamental belief क्या है और किस तरीके से top management quality को लेके कितना conscious है। हम लोग शुरू से ही इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करते हैं कि मरीजों के हितों से कोई समझौता ना किया जाए। हमारे पास जो मरीज आ रहे हैं वो पैसा देते हैं, वो अपने सर्विस के लिए हम लोगों को पे करते हैं, तो उनका एक राइट भी है, और राइट के अलावे हम लोगों का अपना बिलीफ है कि हम जो भी काम करेंगे, और इसके लिए हम लोगों ने एक छोटा सा स्लोगन बनाया हुआ है कि इस हॉस्पिटल में यदि हम अपने परिजनों का और अपना इलाज नहीं करा सकेंगे तो वो चीज़ हम नहीं करेंगे। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ हम खुद का इलाज करा लेंगे, ऐसी क्वालिटी रखनी ही रखनी। सिर्फ इस विश्वास और इस भरोसे और इस मान्यता के हिसाब से हम लोग क्वालिटी के जर्नी में ग्रेजुअली ट्रैवल कर रहे थे। इस बीच में हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसको
और भी फॉर्मल तरीके से किया जाए और NABH की जितने भी गाइडलाइंस हैं उनके मानक हैं उसको हर एक लेवल पर इंप्लीमेंट करने का प्रयास किया गया। कई अच्छे लोग जो बाहर में ट्रेनिंग लिए हैं वो लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जब ज्वाइन किए तो ये जर्नी बहुत आसान हो गया और हम लोग को NABH का एक्रेडिशन मिला। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं इसके। ग्रेट सर, दैट्स रियली गुड टू नो। लाइक NABH एक्रेडिशन मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है और धनबाद का पहला हॉस्पिटल जिसके पास NABH एक्रेडिशन है, दैट्स रियली अमेजिंग सर। आई एम रियली फीलिंग ब्लेस्ड बाय सिटिंग नेक्स्ट टू यू। सो सर, नेक्स्ट थिंग इज असरफी हॉस्पिटल इज सच अ बिग हॉस्पिटल सर एंड यू आर रनिंग सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन जहाँ इतनी लोग काम कर रहे, इतनी फैमिलीज जुड़ी हुई है सर, वेदर इट्स एम्प्लॉयज फैमिली और जो पेशेंट्स आते हैं। सो सर, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रन अ हॉस्पिटल और हाउ डिफिकल्ट इट इज टू रन सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन? डिफिकल्ट चलाना आसान, डिफिकल्ट तो किस सेंस में डिफिकल्टी है ये मैटर करता है। और हेल्थ केयर, चूंकि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए लोग यहाँ आते हैं, हर एक लोगों की अपने परिजनों को लेके आते हैं जिससे उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई होता है। उस इन्वॉल्वमेंट को टैकल करना ही सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क है हेल्थ केयर में, क्योंकि आप आए हैं तो आपके साथ आपके भाई होंगे, माँ होगी, बहन होगी, पिताजी होंगे या कोई ना कोई रिलेटिव होगा, और ऐसे में ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है कि हम कैसे मरीज का केयर करें और कैसे मरीज के परिजनों को मानसिक शांति या सुकून पहुंचा सकें। तो हेल्थ केयर में, हेल्थ केयर चूंकि लेबर इंटेंसिव काम है, हर मोड़ पर, हर स्टेप में आपको किसी न किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस से रूबरू होना पड़ता है, जिसके चलते वहां पे क्वालिटी को इंश्योर करना राउंड द क्लॉक 24 आवर्स अ डे 365 डेज अ ईयर इट इज वेरी डिफिकल्ट। और मुझे लगता है कि ये एक सिंगल मुद्दा है जिस जो कि मैनेज करना सबसे डिफिकल्ट होता है। गॉट इट। तो सर, आपने हेल्थ केयर को काफ़ी क्लोजली देखा है सर, आपने इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की स्टैब्लिशमेंट की सर। धनबाद और झारखंड रीजन जो है हमारे काफ़ी डेवलप हो रहा है विद टाइम, राइट? इन द पास्ट वन डेकेड हम लोग काफ़ी डेवलप किए हैं। तो सर, हेल्थ केयर सिनेरियो कैसे बदला है सर और आगे क्या चेंजेस हो सकते हैं ये धनबाद, रांची और झारखंड के एरियाज में? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हेल्थ केयर में धनबाद में जिस समय हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू किया उस समय और इस समय में ये फ़र्क है कि एक तो यहाँ के कुछ अच्छे डॉक्टर जो बाहर में प्रैक्टिस कर रहे थे वो लोग वापस आने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर हम लोगों के सफर होने के बाद उन्होंने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद वो वापस आ रहे हैं। इस हिसाब से मुझे लगता है कि धनबाद में वो फैसिलिटी जो पहले नहीं थी जब हम लोगों ने शुरू किया, 3 साल पहले कार्डियक फैसिलिटी हम लोगों ने स्टार्ट किया, न्यूरोसर्जिकल फैसिलिटी यहाँ नहीं थी, अब यहाँ काफ़ी सारे ऑपरेशंस न्यूरोसर्जरी किए जा रहे हैं, उसी हिसाब से यूरोलॉजी में काम अच्छा हो रहा है, उसी हिसाब से हम लोग ऑर्थोपेडिक में भी नी रिप्लेसमेंट, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो जो चीज़ें बाहर होती थी, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया प्लास्टिक सर्जन है, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट फुली फंक्शनल हैं और जो काम धनबाद में हो रहा है वो पहले बाहर या तो झारखंड से बाहर या कलकत्ता, बेंगलोर, इस तरह से दूसरे जगहों पर लोग जाते थे। धीरे धीरे ये मानसिकता बदल रही है, अभी इसमें बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है और इस बारे में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। अगले 1 साल में हम लोग यहाँ पर बाईपास सर्जरी करने लगेंगे, यहाँ पर कैंसर की फैसिलिटी आ जाएगी, तो मुझे लगता है कि लोगों को 95-98% कामों के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा और सब कुछ अब घर में धनबाद में ही पॉसिबल है। वाओ सर, दैट्स रियली अ बिग अचीवमेंट। जो हम लोग बाहर बड़े बड़े शहरों में देखते थे वो सारी फैसिलिटी हमारे घर तक आ रही है। और सर, मैं सच में बताना चाहूँगा, जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट इतना एडवांस है हमारे यहाँ, मैंने अपने दादी जी को देखा, इट्स रियली अमेजिंग, राइट? शी इज डूइंग रियली गुड, सो आई एम रियली हैप्पी बाय द सर्विसेज ऑफ असरफी हॉस्पिटल। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज असरफी रीचिंग टू पेशेंट सर? इतना बड़ा यूजर बेस है सर हमारे असरफी का, इतने बाहर से लोग आते हैं, आसनसोल, जामताड़ा, गिरिडीह, बहुत जगह से लोग आते हैं सर असरफी के लिए, तो सर हम लोग पेशेंट्स को कैसे रीच आउट कर रहे हैं सर? जैसे जैसे सर्विसेज इम्प्रूव हो रही हैं, स्कोप पर
स्कोप एंड डेप्थ एंड विड्थ ऑफ द सर्विसेज जैसे जैसे इंक्रीज हो रही हैं, वैसे वैसे लोग बाहर से सुदूर गांव से भी लोग आ रहे हैं. लेकिन हेल्थ केयर जैसा मैंने आपको बताया कि स्टेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से, तो हेल्थ केयर को प्रमोट करने के लिए, मरीजों तक पहुंचने के लिए हम लोग वेरियस मीन्स यूज करते हैं. जैसे हम लोग कैंप करते हैं, बहुत सारे फ्री कैंप्स हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, इन हाउस कैंप भी ऑर्गेनाइज करते हैं, सोशल मीडिया को भी हम लोग काफ़ी ढंग बढ़िया से. आजकल हम लोगों ने हैंड होल्डिंग का एक कॉन्सेप्ट लाया है कि हम लोग मरीजों को के साथ हैंड होल्डिंग करेंगे, और इसी संदर्भ में हम लोगों ने मिलो डॉक्टर के साथ टाई अप करके, और मिलो डॉक्टर से हम लोग के लोग पूरी टीम जो है वो पेशेंट के साथ बात करती है, उनके साथ एंगेज होती है, और उनको प्रयास करती है कि उनको थ्रू आउट देयर ट्रीटमेंट जर्नी एंड इवन आफ्टर दैट उन लोगों को इस तरीके से इंफॉर्म रखा जाए जिससे कि छोटी छोटी समस्याओं को उन लोगों को न झेलना पड़े और मरीज के पास हेल्थ केयर फैसिलिटी आसानी से पहुंच सके. ओके, दैट्स रियली गुड टू नो सर. इट्स रियली अमेजिंग टू नो ऑल द जर्नी सर. बट सर, जहाँ अचीवमेंट्स आती है वहाँ पे थोड़े मोड़े सर क्वेश्चंस भी आते हैं. तो सर, हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म बीइंग एट सच अ हाई लेवल एट सच अ रेप्यूटेड हॉस्पिटल ऑफ धनबाद एंड इवन झारखंड रीजन? सो हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म सर? क्रिटिसिज्म किसी भी व्यक्ति के लाइफ का एक अभिन्न हिस्सा है, और जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होगा तब तक आप में इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा. तो क्रिटिसिज्म को मैं बहुत ही पॉजिटिव वे से लेता हूँ, और मैं उन चीज़ों को दरकिनार कर देता हूँ कि वो क्रिटिसिज्म करने वाला व्यक्ति क्रिटिसिज्म करने के मामले में किन किन चीज़ों को इग्नोर कर रहा है या किन किन चीज़ों को मिस कर रहा है. मैं ये इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बात को समझना कि हम लोग सुनने की आदत डालें, और ईश्वर ने हम लोगों को बहुत हर चीज़ ईश्वर ने इशारों में बताया है. आप अपने चेहरे को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको दो कान और एक जुबान, इसका सीधा मतलब है कि आप बोलिए आधा, सुनिए डबल. इसका मतलब है कि जब आप सुनने के लिए तत्पर होते हैं, जब आप सुनने के लिए सही माइंडसेट से जब आप किसी भी बात को सुनते हैं, तब आपको क्रिटिसिज्म उसमें नज़र नहीं आता है, उसमें स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट नज़र आता है. और मेरे हिसाब से सबसे ईश्वर की कृपा से मेरे हिसाब से मैं ऐसा कर पाता हूँ, क्रिटिसिज्म को एक बेहतरीन ढंग से प्रयास करता हूँ कि समझूँ कि उस क्रिटिसिज्म के पीछे उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य से होने वाले इम्प्रूवमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना ही लगता है कि क्रिटिसिज्म को हैंडल करने का सबसे बेहतरीन तरीका है. इसलिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ क्रिटिसिज्म को बेहतरीन ढंग से पूरी तन्मयता से समय देकर सुनूं, और उसमें जो भी मैसेज हो उस मैसेज के हिसाब से, मैसेज के अनुरूप काम करूं. ग्रेट सर, दैट्स रियली गुड मैसेज सर. मैं भी इसे अप्लाई करना स्टार्ट करूंगा. सर, आप मतलब एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है सर, आप सेल्फ मेड मैन है. तो सर, अभी हमारे कंट्री में सर एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ावा मिल रहा है बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और सभी के थ्रू सर, राइट? पेरेंट्स भी अभी समझ रहे सर इन चीज़ों को. तो सर, आपका क्या मैसेज होगा सर यूथ के लिए जो कि हेल्थ केयर सेक्टर या फिर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, खुद का कुछ नया करना चाहते हैं सर, उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा सर? पहली चीज है ईमानदारी, दूसरी चीज है हार्डवर्क, और तीसरी चीज जिस पर आपको ध्यान देना है वो है रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज. हम लोग के यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में हम लोगों को रिस्क लेने के लिए नहीं बताया जाता. जो कोर्सेज चलते हैं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हमने एक इंजीनियर बना दिया, एक एमबीए कॉलेज में हमने एमबीए बना दिया, लेकिन रिस्क लेने के क्या तरीके हैं, क्या क्या रिस्क आप ले सकते हैं, और रिस्क लेने के लिए आपको प्रैक्टिस कराना, कैसे आप रिस्क लेकर, जब तक कोई आदमी रिस्क नहीं है, मैं इस बात को समझता हूँ कि एक आदमी का सफलता तो वो चीज़ है जो आप लोगों को दिखाई पड़ता है, लेकिन हम लोग उसके पीछे कितने फेलियर्स रहे हैं वो चूक जाते हैं देखने. तो सफलता एक सफलता तो एक मुकाम पहुंचने की बात है कि हमने कुछ प्राप्त कर लिया, हमें कुछ मिल गया, या हमें लोगों ने कह दिया कि हाँ भैया
ये अच्छा काम कर रहे हैं या अच्छा कर लिए हैं, लेकिन उसके पहले उस व्यक्ति का पूरा प्रयास, वो कितने लंबे समय तक उस एक चुने हुए रास्ते पर चला और उस रास्ते पर कितना संघर्ष किया, वो कितना फेलियर्स झेला है, ये हम लोग भूल जाते हैं। सफल होने का सिंपल सा तरीका है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो भी काम कर रहा हो जिसमें उसकी लाइकिंग, सबसे पहले तो अपनी लाइकिंग समझिए। अगर मुझे हिस्ट्री पढ़ने का मन है तो मैं मैथमेटिक्स ना पढ़ूँ, अगर मुझे ज्योग्राफी अच्छा लगता है तो मैं ऑनर्स हिंदी में ना करूँ, मुझे जो पसंद है मैं वो करूँ। पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चों को जो पसंद है उसको करने में उनको प्रोत्साहित करें। दूसरा, अपने चुने हुए रास्ते के लिए जो भी सेक्रीफाइसेस है, ये इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग उसके लिए तैयार रहें कि वो सेक्रीफाइस हम करेंगे। और जब आप अपने चुने हुए रास्ते में चलेंगे, आप ज़्यादा इन्जॉय करेंगे, और आप अगर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो किसी भी व्यक्ति को सफल होने में, जो सफलता एक नोशन है, तो जर्नी है, सफलता तो कुछ सफलता नाम की कोई चिड़िया होती नहीं, ये जो जर्नी है इसको सफलता मतलब सम काइंड ऑफ सोशल रिकॉग्निशन, जहाँ लोग बोलते हैं कि अरे भाई चलो ये अच्छा कर लिया, कोई आदमी IIT कर लिया, कोई आदमी IAS हो गया, कोई आदमी बढ़िया बिजनेसमैन बन गया, कोई आदमी कुछ भी अचीव करता है जिसमें सोसाइटी का एक टैग होता है कि भाई। तो हम लोग हमेशा फील करते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं सोसाइटी के टैग के लिए, दैट इज नॉट राइट अप्रोच। आप काम करिए, सोसाइटी का टैग बाद में मिलेगा और दैट कम्स ऑटोमेटिकली। इट इज नॉट कि हम कर रहे हैं किसी चीज को सोसाइटी के रिकॉग्निशन के लिए। हम लोग बचपन में प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद का एक हम लोग स्टोरी पढ़ते थे जिसमें पेपर में नाम छपवाने के लिए बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाता है। हम लोगों को इन सब चीजों से बचना है। लोग अननेसेसरी ईगो पाल कर रखे हैं, हम रोज जिनके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हम अगर 4 घंटा ज्यादा काम कर लिए तो घर में जाते हैं तो हमारा रवैया बदल जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आपको कूल रहने की आवश्यकता है। बहुत बिल्कुल विनम्र, विद्या से विनम्रता आती है। हम लोग स्कूल में पढ़े, हर जगह बताया जाता है, लेकिन लोग इसको सीखते तो नहीं, लोग इसको अमल में तो नहीं लाते। यदि विद्या ददाति विनयम, तो उसको यूज करो ना। हर जगह आपका विनय दिखना चाहिए, हर जगह आप विनम्र हैं ये दिखना चाहिए। प्रयास करो, प्रैक्टिस करो, विनम्रता का प्रैक्टिस होना चाहिए। स्कूल में ये सिखाया जाना चाहिए कि डिग्री से या नंबर से ज्यादा जरूरी है कि आप विनम्र होना सीखिए, आप टीम में काम करना सीखिए, आप लोगों को लेके चलना सीखिए। और सफल होने के लिए हार्डवर्क करते रहिए, ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलते रहिए। सपोज कर लो कि आपको सफलता नहीं मिलती, सो कॉल्ड सफलता नहीं मिलती, आप कल्पना करो उस मानसिक संतुष्टि का जो आपको मिलेगा अपनी ईमानदारी से काम करने, वही तो सफलता है, दैट इज कॉल्ड सक्सेस। सो मेरे हिसाब से सफलता के लिए पहली शर्त है ईमानदारी, दूसरी शर्त है हार्डवर्क, और इसके अलावे आपको सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आपको विनम्र होना है। सो इट ऑल अबाउट एटीट्यूड। अगर एटीट्यूड ठीक है, यू विल एंजॉय योर जर्नी, यू विल अचीव एनीथिंग, व्हाटएवर यू फील लाइक। दैट्स रियली गुड टू नो सर, आपने जो मैसेज दिया, सक्सेस इज नॉट अबाउट डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी जो हमेशा लाइफ में चलते रहता है। That's an amazing perspective, sir, जो आपने विजन दिया सभी यूथ के लिए। So that's all, sir, from our side. It was really nice interacting with you, and we'll keep doing sessions like this to get insights from you. Thank you so much, sir.